हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई होता है, जहाँ पे एफ क्या है, हमारा फोर्स है, क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देख सकते हैं एफ बराबर क्यू ई और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू होता है एफ अपन क्यू हो जाएगा। तो ई इक्वल्स टू क्या है, अपने को पता है कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, टी माइनस टू होता है, और दूसरा क्यू जो है ये चार्ज है। तो क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी होता है, करेंट या एम्पियर इंटू टाइम बोल सकते हैं इसको। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम एल और टी जो है डिनोमिनेटर में जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या होगा, माइनस थ्री हो जाएगा, और करेंट जो है ऊपर चला जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। इसको अपन काफ़ी आसानी से जो है लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डायमेंशन इक्वल्स टू एम एल टी माइनस थ्री आई माइनस वन। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको एक्चुअली डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया होगा। धन्यवाद।